हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रकृति क्लासेस आई होप यू आर डूइंग वेल तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में हम आपके सामाजिक अध्ययन के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे इससे पहले हमारी सामाजिक अध्ययन की दस क्लासेस हो चुकी हैं तो जिन्होंने भी वो सभी क्लासेस नहीं देखी वे जाकर जरूर देखिए यहाँ पर आपको हमारे क्लासेस के माध्यम से एस एस हिंदी कंप्यूटर और ई की क्लासेस दी जा रही हैं तो जिन्होंने भी ये सभी क्लासेस नहीं देखी वे जाकर जरूर देखिए टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस हो रही हैं और ये आपके जो जितने भी क्लासेस हो रहे हैं यहाँ पर वो आपके शिक्षक भर्ती के सभी वर्गों के लिए इम्पोर्टेंट है चाहे वो आपका सहायक शिक्षक हो या आपका शिक्षक हो या फिर आपका हो व्याख्यात और साथ ही साथ आपका सी जी टेट सी और आपके जो सी जी में जितने भी प्रकार के एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए ये जो सीरीज़ चलाई जा रही है वो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहेंगे और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं और लाइक कॉमेंट ज़रूर कीजिए और जिन्होंने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पी मिल जाएंगी तो जिन्हें भी अगर पी चाहिए वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास में हम जितने भी आपके जो आपके मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो भी साम्राज्य का उदय हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे जितने भी साम्राज्यों का उदय हुआ था और जैसे कि दूरस्थ भूमि से जिनका संपर्क हुआ था उन सभी के बारे में हम इस क्लास में आज पढ़ेंगे तो लास्ट तक आप इसमें ज़रूर बने रहेंगे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी एम होंगे उन्हें हम पढ़ेंगे तो लास्ट तक आप इसमें ज़रूर बने रहेंगे तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं जो आपकी दूरस्थ भूमि से संपर्क थी कॉन्टैक्ट्स विथ डिस्टेंट लैंड थे आपके उसमें आप देख सकते हैं जो आपका मौर्य साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा था तो जो आपका मौर्य साम्राज्य था उसके जो पतन के पश्चात भारत में बहुत सारे नए साम्राज्यों का उदय हुआ था आपका मौर्य साम्राज्य खत्म हो चुका था उसके बाद जो आपका भारत है उसमें नए साम्राज्यों का उदय हुआ था जो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अवस्थित थे तो ये नाम भी आप याद रखेंगे जिन साम्राज्यों का उदय हुआ था वो मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते थे तो वो आपके पाए जाते थे उत्तर पश्चिम भारत उत्तर भारत एवं एवं दक्षिण भारत में ये पाए जाते थे इस काल में जो था आपका कृषि का विकास हुआ था कृषि का विकास हुआ था व्यापारी वर्ग ने अपने व्यापार की उन्नति के क्रम में भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर एवं भीतर नए स्थलों एवं समुद्री मार्गों की खोज की थी तो इसी सब में आपको पता चलेगा कि कितने समुद्री मार्गों की खोज हुई थी किस किस स्थलों की खोज हुई थी क्या क्या खोज उनके द्वारा किया गया था इन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जितने भी आपके मसालों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि आपका मिर्ची आपके किस देश से प्राप्त हुई थी काली मिर्च आपके किस देश से प्राप्त हुई थी ये सभी जो मसाले हैं उनके बारे में भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के चीज़ों के बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे तो ये क्लास आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं चौरस्थ भूमि से संपर्क में व्यापारियों की जो भूमिका थी उसके बारे में आप इसमें देख सकते हैं जो आपके व्यापारी थे उनकी जो भूमिका थी वो सबसे प्रमुख थी व्यापारी कई प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर बेचते थे जैसे उदाहरण स्वरूप आप इसमें देख सकते हैं जैसे दक्षिण भारत सोना मसाले दक्षिण भारत में सोना और मसाले को आप याद रखेंगे खास तौर पर जो काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था जो आपका दक्षिण भारत था वो आपके सोना और मसाले मसाले में आप नाम रख याद रखेंगे जो आपका काली मिर्च था और आपका कीमती पत्थर उसके लिए जो आपका दक्षिण भारत था वो बहुत ही प्रसिद्ध था तो अभी मैंने बताया कि मसालों से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसमें याद रखेंगे कि आपके दक्षिण भारत में सबसे पहले आप सोना को याद रखेंगे मसाले में आप काली मिर्च को याद रखेंगे और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखें नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं काली मिर्च जो था आपका काली मिर्च की जो रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी जो रोमन साम्राज्य था आपका उसमें काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जाना जाता था ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काली मिर्च को किस नाम से जाना जाता था तो आपको पता होना चाहिए कि इसे काले सोने के नाम से जाना जाता था तो ये पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है आगे आप इसमें देख सकते हैं व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे जो इनका पहुंचाने का जो मार्ग था वो आप देख सकते हैं समुद्री जहाज़ों के द्वारा इसे पहुंचाया जाता था और सड़कों के रास्ते से इसे रोम में पहुंचाया जाता था दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन, रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जो दक्षिण भारत था आपका उसमें रोमन सोने के सिक्के भी मिले हैं व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते की खोज की थी जो व्यापारी थे उन्होंने समुद्री रास्ते खोज निकाले बहुत से उन्होंने समुद्री रास्ते खोज निकाले इनमें से जो कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे आगे आप इसमें देख सकते हैं जो समुद्र के किनारे चलते थे जो कि आपका समुद्री रास्ते थे वो कुछ रास्ते समुद्र के किनारे चलते थे और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगे आप इसमें देख सकते हैं जो समुद्र तटों से लगे राज्य का जो दूरस्थ भूमि से संपर्क था उसके बारे में आप देख सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग के तटीय क्षेत्र में बहुत से पहाड़ पठार और नदी के मैदान हैं नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है कावेरी का मैदान ये नाम आप इसमें याद रखेंगे जो सबसे उपजाऊ है वो था आपका कावेरी का मैदान आगे आप इसमें देख सकते हैं संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है ये जो मुवेंदार से क्वेश्चन आपके सी टेट में अधिकतर पूछे गए हैं ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर चोल चेर पांड ये सभी आपके सी टेट में पूछे गए हैं तो इसे आप याद रखेंगे जो आपका मुवेन्दार था यह एक तमिल शब्द है जो आपका मुवेन्दार था वो आपके एक तमिल शब्द से संबंधित है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया मुवेन्दार का मतलब ही होता है तीन मुखिया इसका प्रयोग तीन शासकों परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता है ये जो थे वो थे चोल चेर और पांडे जो तेईस सौ वर्ष पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे जो तीन मुखिया थे वो ही थे आपके चोल चेर और पांडे तो ये नाम आप इसमें याद रखेंगे ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है आगे आप इसमें देख सकते हैं इन जो तीनों मुखियाओं के अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे दो दो सत्ता केंद्र थे तीनों मुखियाओं के पास इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था एक जो आपका था तटीय हिस्से में था और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था इस तरह छह केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे जो इनके छह क्षेत्र थे तीन मुखियाओं के जो दो दो सत्ता के केंद्र थे उसमें आपके ये छः हुए उसके बाद इनमें से जो दो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे एक चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टीनम था और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई थी तो ये दोनों नाम भी आप इसमें याद रखें जो चोलों का पतन था वो था पुहार या फिर इसे आप कावेरी कावेरीपट्टनम के नाम से भी याद रखेंगे और जो दूसरा था आपका पांड्यों की जो राजधानी थी वो थी मदुरई ये जो मदुरई है और ये आपका कावेरी पट्टनम इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं तो ये सभी नाम आप इसमें याद रखेंगे अब आगे आप इसमें देख सकते हैं जो आपका संगम काल में दक्षिण भारत और रोम के मध्य व्यापार काफ़ी विकसित अवस्था में था भारत में अरिक मेडू से रोमन बर्तन एम्फोरा लंबा एवं दोनों हत्थे लगा जार मन के मिले हैं जो आपका ये नाम भी आप इसमें याद रखेंगे जो अरिक मेडू था उससे आपके रोमन बर्तन और एम्फोरा से आपके मन के मिले हैं तो ये दोनों नाम आप इसमें याद रखेंगे ये भी बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछा भी गया है आगे आप इसमें देख सकते हैं मोबेंदार के लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सात वाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया सात वाहन का नाम भी आप इसमें याद रखें। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं वो सभी नाम आप इसमें याद रखेंगे क्योंकि एक एक पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आगे आप इसमें देख सकते हैं सात वाहनों का सबसे प्रमुख राजा जो था वो था गौतमी पुत्र सात कर्णी तो ये नाम भी आप इसमें याद रखेंगे उसके बारे में आप देख सकते हैं उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है वह और अन्य सभी सात वाहन शासक जो दक्षिणा मतलब कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता के स्वामी कहे जाते थे जो आपका जो साथ करनी था मतलब कि माँ जो गौतमी बलश्री थी उसके अभिलेख से हमें पता चलता है कि जो सातकर्णी था वो सात वाहन शासक दक्षिणा पद के स्वामी भी कहे जाते थे तो ये सभी चीजें आप इसमें याद रखेंगे अब आगे आप इसमें देख सकते हैं जो आपका रेशम मार्ग था विभिन्न प्रकार के मार्ग के बारे में ही हमें इसमें पढ़ना है तो आप सभी चीजों को अच्छे से देखते हुए चलेंगे और लास्ट तक जरूर बने रहेंगे अब आप इसमें देख सकते हैं रेशम मार्ग के बारे में रेशम बनाने की तकनीक जो थी उसका आविष्कार सबसे पहले चीन में सात हजार वर्ष पहले हुआ इसे भी आप याद रखें कि जो रेशम बनाने की तकनीक थी उसका जो आविष्कार था वो सबसे पहले सबसे पहले चीन में ही हुआ वो भी सात हजार वर्ष पहले इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा पर चीन से कुछ लोग पैदल घोड़ों या ऊटों पर दूर दूर की जगह पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे आगे आप इसमें देख सकते हैं जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया जो ये रास्ता था उसे ही रेशम मार्ग के नाम से जाना जाने लगा इसमें आप देख सकते हैं आगे कभी कभी चीन के जो शासक थे ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे जो आपके चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासक थे उनके लिए उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े वो भेजते थे तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे आगे आप इसमें देख सकते हैं यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिम की ओर फैल गई जो रेशम के बारे में जानकारी थी और भी पश्चिम की ओर भी फैल गई करीब 2000 वर्ष पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया था तो यहां से ये प्रचलित होने लगी और सभी जगहों पर ये फैलने लगी तो आगे आप इसमें देख सकते हैं इसकी जो कीमत थी वो बहुत ही ज्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था यही नहीं रास्ते के आसपास रहने वाले लोग जो थे व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे तो इसी सभी के कारण जो रेशम था वो बहुत ही महंगा था कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था तो जो रेशम मार्ग है उसके बारे में ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखें ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब आगे आप इसमें देख सकते हैं कुषाण व कनिष्क के बारे में जो कुषाण व कनिष्क थे उसके बारे में आप देख सकते हैं रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध था वो था आपका कुषाण जो नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध था वो था कुषाण 2000 वर्ष पहले मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत पर इनका शासन था जो 2000 वर्ष पहले किसका शासन था भारत पर तो आप देख सकते हैं मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत पर इनका जो शासन था आगे आप इसमें देख सकते हैं पेशावर और मथुरा जो कुषाण के दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे जैसे कि तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था तक्षशिला के बारे में आप ये सभी चीजें याद रखेंगे तक्षशिला से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पेशावर और मथुरा थे कुषाण के दो प्रमुखशाली केंद्र थे और ये आपके तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था आगे आप इसमें देख सकते हैं जो कुषाण वंश था इसके शासनकाल में ही रेशम मार्ग की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी फिर यहाँ से जहाजों तथा रेशम पश्चिम की ओर रोमन राज्य तक पहुँचता था तो इन सभी मार्गों से ही आपके रेशम को पहुँचाया जाता था तो ये सभी चीजें आप इसमें याद रखेंगे आगे आप इसमें देख सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे सबसे पहले जिसने सोने का सिक्का जारी किया वो थे आपके कुषाण तो ये नाम भी आप इसमें याद रखेंगे रेशम मार्ग पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे जो रेशम मार्ग था उस पर यात्रा करने वाले जो व्यापारी थे वो इनका प्रयोग करते थे कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा जो था वो था कनिष्क जो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध जो राजा था वो था आपका कनिष्क वह बहत्तर ईस्वी में कुषाण साम्राज्य का शासक बना तो ये नाम भी आप इसमें याद रखेंगे अब आगे आप इसमें देख सकते हैं जो कनिष्क था कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जो कनिष्क थे उन्होंने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे बुद्ध की जो जीवनी थी बुद्ध रचित के रचनाकार कवि जो अश्वघोष थे कनिष्क के दरबार में रहते थे जो बुद्ध चरित के रचनाकार जो कवि थे अश्व जिनका नाम था अश्वघोष इनका नाम भी आप इसमें याद रखेंगे जो रहते थे आपके कनिष्क के दरबार में तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब में लिखना आरंभ कर दिया था जो अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वान थे वो अब संस्कृत में लिखना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था आगे आप इसमें देख सकते हैं कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ था महायान के बारे में भी हमने पढ़ा था जब हमने बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ा था तो इसमें हमने महायान हीन यान इन सभी के बारे में पढ़ा था तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखिए वो जाकर जरूर देखिए क्योंकि इन सभी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए आगे, आगे आप इसमें देख सकते हैं इसकी जो दो मुख्य विशेषताएं थी पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी जैसे बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था जो बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति थी उसे पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था बौद्ध धर्म में दूसरा परिवर्तन था बोधिसत्व बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया था बोधिसत्व उन्हें कहते थे जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे तो ये सभी बोधिसत्व के बारे में याद रखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में जब हमने पढ़ा था तो इन सभी पॉइंट्स को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था तो जिन्हें भी डिटेल में इसके बारे में जानना है तो जाकर वो बौद्ध और जैन धर्म वाली क्लास को जरूर देखिए क्योंकि वहाँ पर आपको इन सभी के बारे में डिटेल से बताया गया है इसमें आगे आप देख सकते हैं लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे अब आगे आप इसमें देख सकते हैं जो बोधिसत्व थे धीरे धीरे जो बोधि सत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया चीन और और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई तो आप देख सकते हैं जो बोधि सत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी वो आपके विभिन्न देशों में पहुंचने लगी आप देख सकते हैं मध्य एशिया चीन कोरिया तथा जापान में भी ये सभी चीज़ें फैल गई आगे आप इसमें देख सकते हैं बौद्ध धर्म का जो प्रसार था वो पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जन गुफाएं खोदी गई जो दर्जनों गुफाएं थी वो खोदी गई भिक्षुओं के रहने के लिए यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे आगे आप इसमें देख सकते हैं बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका म्यांमार थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला आप देख सकते हैं जो आपका बौद्ध धर्म है वो बहुत ही विस्तृत था वो बहुत ही जगहों पर फैला फिर आप देख सकते हैं जो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था तो ये सभी चीजें आप इसमें याद रखेंगे अब आगे आप देख सकते हैं इसमें जो संगम काल था उसके बारे में आप देखेंगे इसमें लिखा गया है कि संगम का शाब्दिक अर्थ होता है साहित्यकारों की सभा या मंडली इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगम काल का अर्थ क्या होता है तो इसके बारे में आप याद रखें कि साहित्यकारों की सभा या मंडली को ही संगम कहा जाता है भारत में तीन संगम जैसे कि प्रथम था आपका मदुराई दूसरा था कपाटपुरम और तीसरा था आपका पुनः मदुराई तो ये तीनों नाम आप इसमें याद रखेंगे सबसे पहला आपका मदुराई आ जाएगा दूसरे में आपका कपाटपुरम और तीसरा फिर से आपका मदुराई ही आ जाएगा तो ये तीन जो संगम हुए थे भारत में वो इन तीनों जगहों पर हुए थे तो इनके नाम आप इसमें याद रखेंगे ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है आगे आप इसमें देख सकते हैं इन तीनों संगम में अनेक देवी देवताओं और महात्माओं ने भाग लिया साथ ही अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई ये ग्रंथ दक्षिण भारत का इतिहास एवं तमिल संस्कृत की जानकारी के लिए एकमात्र स्रोत है जो तमिल की जानकारी मिलती है तमिल संस्कृति की वो यहीं से आपको मिलती है यही एकमात्र स्रोत है आगे आप इसमें देख सकते हैं जो आरिक मेडू था व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था आरिक मेडू जो था 220 से 1900 साल पहले पांडिचेरी में एक पतन जो बंदर था यही ईटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो तथा भूमध से भूमध सागरी क्षेत्र से एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं जिसमें शराब तेल इत्यादि भरे जा सकते थे इन पात्रों में दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे भी लगे होते थे तो आप देख सकते हैं इन सभी चीज़ों से ही आपकी तमिल संस्कृति के बारे में पता चला और जो शराब तेल जो मिले हैं वो एम्फोरा जैसे पात्र में मिले हैं तो ये तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे आरिक मेडू में जो चीज़ें मिली हैं उसे भी आप इसमें याद रखेंगे अब आगे आप इसमें देख सकते हैं जो विदेशी यात्री थे विदेशी यात्री के बारे में आप देखेंगे व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे जो विदेशी तीर्थयात्री थे वो काफिले में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे तीर्थयात्री जो थे वे स्त्री और पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे भारत की यात्रा पर चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री जो थे फाशियान जिन्हें फायान भी कहते हैं वो काफी प्रसिद्ध हैं जो भारत की यात्रा पर आए थे वो थे आपके चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री जिनका नाम था फायान तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे इन्हें फायान या फाशियन भी कहते हैं वो आए थे करीब 1600 वर्ष पहले 1600 वर्ष पहले आए थे तो इनका नाम भी आप इसमें याद रखेंगे आगे आप इसमें देख सकते हैं जो वेन सांग थे वेन सांग का नाम भी आप इसमें याद रखेंगे जो वेन सांग थे वो चौदह सौ वर्ष पहले भारत आया उसके करीब पचास वर्ष बाद आया 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 जो जो सबसे पहले आपका था था कि आपके सोलह सौ वर्ष पहले उसके बाद आया आपका वेन सांग जो चौदह सौ वर्ष पहले आया और उसके करीब पचास वर्ष के बाद आपका आया इत सिंह तो इन तीनों के नाम आप याद रखेंगे तीनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आगे आप इसमें देख सकते हैं वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे बुद्ध से ही जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए वे भारत आए थे इनमें से जो प्रत्येक तीर्थ यात्री थे वे अपनी यात्रा का वर्णन इन्होंने यहाँ पर लिखा इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा था तो ये सभी चीजें आप इसमें याद रखेंगे आगे आप इसमें देख सकते हैं जो वेन सांग तथा अन्य तीर्थ यात्रियों ने नालंदा में बहुत समय अध्ययन किया नालंदा के बारे में भी आप इसमें याद रखेंगे तथा अध्यापन में व्यतीत किया जो वेन सांग तथा अन्य तीर्थयात्री थे उन्होंने नालंदा में बहुत ही समय अध्ययन किया और अध्यापन में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और यह जो बौद्ध अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था जो बौद्ध अध्ययन था उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था उनके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के जो शिक्षक थे उच्च कोटि के विद्वान थे यहाँ पर अनेक बौद्ध विद्वान शिक्षा ग्रहण करते थे तो इसमें आप देख सकते हैं ये नालंदा विश्वविद्यालय से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ये सभी चीजें आप याद रखेंगे जो आपका भारतवर्ष का सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय है वो यही है नालंदा विश्वविद्यालय तो इसके बारे में आप इसे याद रखेंगे आगे आप इसमें देख सकते हैं नालंदा मठ के नियम बहुत ही कठोर थे तथा सभी को इसका पालन करना पड़ता था यहाँ वाद विवाद खुले तौर पर किया जाता था तथा विश्व के कोने कोने से यहाँ पर विद्वान आते थे तथा अपनी शंका का समाधान करते थे प्रवेश द्वार पर द्वारपाल कठिन प्रश्न पूछता था तथा उसका उत्तर देने पर ही अंदर प्रवेश किया जाता था तो आप देख सकते हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसके जो नियम थे वो बहुत ही कठोर थे आगे आप इसमें देख सकते हैं अब भारत में जो भक्ति पंथ की शुरुआत हुई थी उसके बारे में आप देखेंगे जो मौर्योत्तर काल के बाद कुछ देवताओं की महत्ता बढ़ गई थी यह हिंदू धर्म का जो मुख्य लक्षण बन गया था इन देवताओं में शिव विष्णु तथा देवियों में दुर्गा का महत्वपूर्ण स्थान था इसमें भी ये जो देवताएं हैं उसके नाम आप इसमें याद रखेंगे शिव विष्णु तथा देवी में आप याद रखेंगे दुर्गा माता तो ये सभी जो तीन देवताएं हैं उसके बारे में आप याद रखेंगे इससे अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगे आप इसमें देख सकते हैं भक्ति का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशेष देवता के प्रति समर्पण है कोई भी व्यक्ति भक्ति पंथ का अनुसरण कर सकता है भक्ति भगवत गीता से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है भगवान के प्रति समर्पण भाव जो आपका भक्ति शब्द है वो भगवत गीता से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ ही होता है भगवान के प्रति समर्पण भाव धीरे धीरे भक्ति का विस्तार भारत के दूसरे भाग में होता गया भक्ति आंदोलनों ने कला स्थापत्य काव्य आदि को भी प्रभावित किया तो जो भगवत गीता से संबंधित ये सभी वाक्य हैं इसे आप याद रखेंगे इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भक्ति शब्द का जो अर्थ है उसे भी आप याद रखेंगे तो यहाँ तक हमने इसकी थ्योरी को बहुत ही डिटेल में पढ़ा अब जो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज उन्हें हम पढ़ेंगे तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहेंगे और कॉमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और क्लास आपको कैसी लगी सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं जो रोमन साम्राज्य में निम्न वस्तुओं में किसकी मांग सर्वाधिक थी यह आपसे पूछा गया है सोना काली मिर्च चांदी या सूती कपड़े तो हमने इसके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा था जो रोमन साम्राज्य में सबसे जो जिसकी मांग सर्वाधिक थी वो था आपका काली मिर्च काली मिर्च को ही आपका काला सोना के नाम से जाना जाता था तो ये सभी चीजें आप काली मिर्च के बारे में याद रखेंगे जिसकी मांग सबसे सर्वाधिक थी आगे आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू इसमें आपको सत्य कथन बताना है दूरस्थ भूमि से संपर्क में व्यापारियों की भूमिका जो थी वो प्रमुख थी उत्तरी भारत सोना मसाले तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था तो इसमें से आपको सही कथन बताना है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिर्फ जो दूरस्थ भूमि से संपर्क में व्यापारियों की जो भूमिका थी वही इसमें सत्य हो जाएगा जो उत्तरी भारत सोना मसाले तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था ये इसमें गलत हो जाएगा ये आपका उत्तरी भारत नहीं होगा ये आपका दक्षिण भारत होगा जिसमें आपके मसाले सोने और कीमती पत्थरों इन सभी के लिए आपका दक्षिण भारत प्रसिद्ध था ना कि आपका उत्तर भारत प्रसिद्ध था तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे अब आगे आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री मुवेदार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है सत्य है यहाँ आपसे पूछा गया है ऑप्शन इसमें दिए गए हैं संगम कविताओं में इसकी चर्चा मिलती है यह एक तमिल शब्द है इसका अर्थ तीन मुखिया होता है या उपरोक्त सभी तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी जो मुविंदार है यह आपका एक तमिल शब्द है इसका अर्थ होता है तीन मुखिया जो आपका होता है चोल शेर और पांडे तो इनके नाम भी आप इसमें याद रखेंगे इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें संगम कविताओं में इसकी चर्चा मिलती है तो ये सभी चीजें आप मोवेदार के बारे में याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर फोर मतलब कि उपरोक्त तो सभी इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं एक एक जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो इससे आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो बहुत ही अच्छे से आपसे बनने लगते हैं तो इसीलिए आपको थ्योरी पढ़ना बहुत ही जरूरी है तभी आपसे एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपसे एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से नहीं बनेंगे इसीलिए आपको अच्छे से इन सभी थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है आगे आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर इसमें से आपको सत्य कथन बताना है चोल चेर तथा पांडे तेईस सौ वर्ष पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे दक्षिण भारत में पांडव की जो राजधानी थी वो थी कावेरी पटनम तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा जो चे जो आपके चोल चेर और पांडे थे वो तेईस सौ वर्ष पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे लेकिन जो दक्षिण भारत में पांड्यों की राजधानी कावेरीप्टनम थी ये इसमें गलत हो जाएगा जो आपकी पांड्यों की जो राजधानी थी वो कावेरीपटनम नहीं बल्कि मदुरई थी तो ये नाम आप इसमें याद रखेंगे जो दक्षिण भारत में पांड्यों की राजधानी थी वो

ऑप्शन नंबर फोर इसमें सही हो जाएगा न तो ए और न ही बी ये दोनों इसमें क्योंकि गलत है जो मुवेंदार के लगभग 500 सौ वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सात वाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया ये इसमें गलत हो जाएगा और जो सात वाहनों का सबसे प्रमुख राजा था वो था आपका राजराज -राज, ये भी इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा जो आपका मुवेदार था वो लगभग पाँच वर्षों के बाद नहीं वो लगभग दो वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश के प्रभाव में बढ़ने लगा तो ये जो पांच सौ वर्ष है इसकी जगह दो सौ वर्ष आएगा और जो आपका प्रमुख जो राजा था जो सात वाहनों का सबसे प्रमुख राजा था वो राज, -राज नहीं बल्कि आपका हो जाएगा सातकर्णी जिसकी माता का नाम था गौतमी बलश्री तो ये नाम आप इसमें याद रखेंगे जो गौतमी बलश्री थी वो सातकर्णी की माता थी तो यही आपके सात वाहनों के सबसे प्रमुख राजा थे तो ये सभी चीजें आप इसमें याद रखें आगे आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स निम्न में से कौन सा कथन सही है यह आपसे पूछा गया है चीन में रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले हुआ था चीन ने इस तकनीक को हजारों साल पहले तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के रूप में रेशमी कपड़े भेजते थे या उपरोक्त तो सभी तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर उपरोक्त सभी इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे जो चीन में रेशम बनाने की तकनीक थी उसका जो आविष्कार हुआ था वो सबसे पहले हुआ था चीन ने इस तकनीक को हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा और जो कभी कभी चीन के जो शासक थे वो ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के रूप में जो रेशमी कपड़े थे उन्हें भेजते थे तो ये सभी इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर फोर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन 2000 वर्ष पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया रेशम की जो कीमत थी वो बहुत ही कम होती थी उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है यह आपसे पूछा गया है तो जो इसमें सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिर्फ इसमें सही हो जाएगा क्योंकि जो 2000 वर्ष पहले रोम के शासक थे वो धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया था लेकिन जो रेशम की कीमत थी वो बहुत कम होती थी ये इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि जो रेशम की जो कीमत थी वो बहुत ही कीमती थी तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर एट भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में सात वाहन थे कनिष्क अठहत्तर ईस्वी में कुषाण साम्राज्य का शासक बना इसमें से आपको सत्य कथन बताना है तो इसमें सही कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा लेकिन जो कनिष्क अठहत्तर ईस्वी में कुशांत साम्राज्य का शासक बना ये इसमें गलत हो जाए क्योंकि जो अठहत्तर ईस्वी में नहीं बल्कि ये बहत्तर ईस्वी में कुशांत साम्राज्य का शासक बना था तो ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा तो नंबर ए ही इसमें बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के रचनाकार कवि अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे चंद्रगुप्त कनिष्क अशोक या बिंदुसार इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आप आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं इन सभी को आप याद रखेंगे एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है इन सभी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं जो आपके अश्वघोष थे वो किसके दरबार में रहते थे तो वो आपके रहते थे कनिष्क के दरबार में तो, तो ये नाम आप इसमें याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर टेन निम्न कथनों पर आपको विचार करना है इसमें से सत्य कथन आपको बताना है कि अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना प्रारंभ कर दिया था कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की जो एक नई धारा महायान का विकास हुआ था तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप भी दोनों इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे हमने थ्योरी में बहुत ही डिटेल से पढ़ा है आप देख सकते हैं कि थ्योरी से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं अब इसमें से भी आपको सही कथन बताने हैं आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ था बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका म्यांमार थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए और बी दोनों दोनों इसमें बिल्कुल सही हैं आगे आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री को निम्न में से किस क्रम में भारत में आए थे यह आपसे पूछा गया है तो जब हमने इसके बारे में पढ़ा था तो मैंने इसके बारे में बताया ही था कि इसके जो क्रम है वो आप याद रखेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सबसे पहले आपके आए थे फायान उसके बाद आपके आए थे वेन सांग फिर आपके आए थे इत सिंह जो आपके फायान आए थे वो आए आप थे आपके 1600 वर्ष पहले फिर आपके जो वेन सांग थे ये आपके आए थे 1400 वर्ष पहले और आपके जो इत सिंह थे वे इनके 50 वर्ष के बाद आए थे तो ये जो क्रम है वो आप इसमें याद रखें तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहला आपका फाययान आएगा उसके बाद वेन सांग आएगा उसके बाद इत सिंह आएगा तो इसके क्रम भी आप याद रखें और इनके जो वर्ष थे उन्हें भी आप इसमें याद रखें तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा बी ए सी नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन नालंदा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा असत्य है यह आपसे पूछा गया आपको नेगेटिव बताना है सबसे पहला इसमें दिया गया है सबसे पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है वेन सांग ने नालंदा में बहुत समय अध्ययन किया था यहाँ वाद विवाद खुले तौर पर किया जाता था नालंदा मठ के नियम बहुत ही सरल थे प्रवेश द्वार पर द्वारपाल कठिन प्रश्न पूछता था तथा तो उसका उत्तर देने पर ही अंदर प्रवेश दिया जाता था तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थ्री जो नालंदा मठ के नियम बहुत ही सरल थे ये इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि जो महा जो नालंदा मठ के नियम थे वो सरल नहीं बल्कि कठोर थे तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एम फोरा एक खाली स्थान था इटली का सिक्का लाल चमकदार बर्तन लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जा या छिद्र युक्त बर्तन ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है तो इसे आप याद रखेंगे और ये आपके दोबारा भी रिपीट हो सकता है ये जो सभी क्वेश्चन हैं वो आपके सी जी टेट शिक्षक भर्ती या सी टेट इन सभी एग्जाम में दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं तो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं तो इन सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे और ये आपके एग्ज़ाम में दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एम्फोरा था एक लंबा एवं दोनों दोनों तरफ हत्थे लगा जा होता था आपका एम्फोरा तो ये आंसर आप इसमें याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन रोमन साम्राज्य में काली मिर्च इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से जाना जाता था काला जादू काला ताबीज काला पत्थर या काला सोना तो जो काली मिर्च को एक और नाम से जाना जाता था जो कि आपका था काला सोना था. इसके बारे में भी ये नाम आप इसमें याद रखें ये भी आपके ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन ही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन लगभग दो वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से किस शासक ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था कुषाण चोल पांड या चेर तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुषाण कुषाण जो था वो लगभग 2000 वर्ष पूर्व जो रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए जो सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध था वो था आपका कुषाण तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा और जो चोल चेर और पांड्य थे ये आपके थे ये थे आपके तीन मुखिया थे तीन मुखिया थे और ये थे आपके संगम जो कविताएं थी उसमें जो मुवेन्दार की चर्चा मिलती थी उसमें ही जो तीन प्रमुख मुखिया थे वही थे आपके चोल चेर और पांडे तो ये जो तीनों नाम हैं आप इसमें याद रखेंगे और जो कुषाण था वो सबसे रेशम मार्ग पर सबसे नियंत्रण करने वाला सबसे शक्तिशाली शासक था तो ये नाम इसमें आप याद रखेंगे तो आज की क्लास में हमने आपके सामाजिक अध्ययन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ा तो तो आप देख सकते हैं इनसे आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को आप याद रखेंगे और थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ेंगे दो से तीन बार रिपीट करके पढ़ेंगे तो आपसे सभी क्वेश्चन अच्छे से बनने लगेंगे और जा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सके और जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर इन सभी क्लासेस की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और लाइक कमेंट जरूर कीजिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड के टेक केयर